अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई स्किन केयर वीडियो। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई भी हम में से पार्लर नहीं जा सकता। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगी कि घर बैठे आप कैसे ही अपना शीट फेस मास्क बना सकते हैं। ये शीट फेस मास्क सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनेगा जो ईजिली आपके घर में अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर। वाटर से हमारी जितनी भी रेडनेस होती है वो खत्म हो जाती है और हमारी स्किन को ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी रखता है। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी पोर्स होते हैं उनको ही बंद करता है, हमारी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, तो एलोवेरा में बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। एलोवेरा यूज़ करने से हमारी जितने भी इन्फेक्शन और एक्नी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और एलोवेरा यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रहती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 फ्रेश लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी मौजूद होता है जो आपकी स्किन डैमेज और प्रीमैच्योर एजिंग को भी रिड्यूस करता है, और लेमन यूज़ करने से हमारी स्किन पे जितना भी ऑयल आता है ये उसे भी कंट्रोल करता है। तो ये शीट फेस मास्क समर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो ये इसे कंट्रोल करता है, उसे डिक्रीज करता है। इसी के साथ साथ आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं ये उन्हें भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। शीट फेस मास्क यूज़ करने की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो इसका सीरम होता है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाता है और आपकी स्किन इस सीरम को अच्छी तरह ले लेती है, तो रिजल्ट इसके देर तक रहते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके सीरम को साइड में रख देंगे और इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना फेस मास्क, शीट फेस मास्क, जो कि हम लोग टिश्यू पेपर से बनाएंगे। हम लोग ले लेंगे 2 नैपकिन साइज़ वाले टिश्यू पेपर्स। मैं यहाँ पे 2 इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा थिक बने, आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है उस पर ये थोड़ी देर के लिए एडजस्ट रहे, बिल्कुल फट ना जाए। क्योंकि अगर आप इसे थिन बनाएंगे तो बिल्कुल सीरम लगते साथ ये चिपक जाएगा और बिल्कुल फटने वाली पोजीशन में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस तरह अपने 2 टिश्यू पेपर्स को रख लेंगे। दोनों टिश्यू पेपर्स को साथ रखने के बाद हम इसे स्क्वायर फोल्ड कर देंगे, जिस तरह नैपकिन की तरह होता है हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे ताकि ये थिक हो जाए। थिक करने के बाद मैं जिस तरह आपको बताऊंगी आप उसी तरह अपने फेस के अकॉर्डिंग साइज़ के इसको कट कर लेना है। बिल्कुल इसको इस तरह राउंड शेप में आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग साइज़ की तरह से कट कर लेंगे। अब हम लोग ने इसे कट कर लिया है, अब हम लोग अपनी आइज़ बनानी है। आपका जितना फेस है, जितना आपको अपना साइज़ रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, मगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ बता रही हूँ। उसके बाद आपने ऊपर से 3 फिंगर्स का गैप छोड़ के अपना इसे फोल्ड करना है और इसकी हम इसको आइज़ इस तरह कट कर लेंगे। ऊपर से 3 फिंगर्स का गैप देंगे, उसके बाद अपना 3.5 रख लें, मगर स्टैंडर्ड 3 होता है, तो आप इसे 3 फिंगर्स को देके निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग पेन मत यूज़ करिए क्योंकि पेन के अंदर इंक होती है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, इसलिए आप अपना अंदाज़ा ही रखिएगा। ऊपर से 3 फिंगर्स का गैप छोड़ के देखिए मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह मैं अपनी आइज़ को कट कर लूँगी। अब हमने अपना आइज़ एरिया को कट कर लिया, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है, सबके फेस में बिल्कुल फिट ही बैठेगा, तो अगर आप ये वाली मेजरमेंट भी लेंगे तो आपका आराम से ये बन जाएगा। उसके बाद हमने अपने आइज़ एरिया को बना लिया है। अब इसके बाद हम 2 फिंगर्स का गैप छोड़ के 2 फिंगर्स का गैप छोड़ने के बाद हम अपने नोज़ एरिया को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 फिंगर्स गैप दे के मार्क कर रही हूँ और इस तरह मैं अपने नोज़ एरिया को कट कर लूँगी। अभी देखिए हमारा कितनी आसानी से बन गया है। इसके बाद हम लोग अपने लिप्स को कट कर लेंगे। लिप्स का भी 2 या 1.5 दे दें, 1 भी दे दें तो बिल्कुल ठीक है। 1 फिंगर का गैप देके आप अपने लिप्स के एरिया को कट कर लें। इस तरह आपके घर में आराम से शीट फेस मास्क रेडी है और इसको लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। फेस मास्क लगाने का तरीका ये है कि आपने इस मास्क को अपने फेस के ऊपर लगाना है और उसके बाद हमने जो सीरम बनाया था आप किसी भी ब्रश की मदद से उसे अपने फेस के ऊपर लगा लें, तो ये जो टिश्यू है ये आपकी स्किन के ऊपर स्टिक करना शुरू कर देगा इस तरह। इस तरह मास्क लगा के उसके ऊपर सीरम अप्लाई करके हम 15-20 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देंगे। 15
15 टू 20 मिनट्स के बाद हम लोग अपने मास्क को हटा देंगे। मास्क हटाने के बाद आपके फेस पे जो सीरम रह जाएगा आप उसे वॉश नहीं कीजिएगा, उस सीरम को अपने फेस पे रहने दीजिएगा, तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही ड्राई हो जाएगा और आपकी स्किन उसे अच्छी तरह अपने अंदर इन्फ्यूज कर लेगी। ये थी मेरी आज की स्किन केयर वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो इस तरह घर में आप आराम से अपना शीट फेस मास्क बना सकते हैं। मैंने जो आपको सीरम बताया है ये वाला सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना सीरम बनाना चाहते हैं आप दूसरा वाला सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप घर में आराम से अप्लाई कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्किन केयर वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।